तो वेलकम टू डी ई डी इंजीनियरिंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुश बियरिंग के फ्रंट व्यू को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है, जिसमें हमें दोस्तों डायमेंशन वगैरह सब कुछ गिवन होती है। हमें थोड़ा समझ के इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को बनाना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बस फ्रंट व्यू को ही बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 116 है, तो ये पूरा हो जाएगा 232। और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो दोस्तों, हाइट हमें गिवन है 25 दे रखी है। और इसमें जो दोस्तों आर्क, पहली जो आर्क है वो 60 mm ऊपर है, और उसमें जो हमें आर्क लगाना है, रेडियस दे रखी है हमें 48 की, यानी कि हमें एक 96 का सर्कल बनाना है। और उसके बाद हम देखें तो ये जो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, ये फर्स्ट ये बनेगा 50 का, और जो सेकंड बनेगा दोस्तों वो होगा 32 का। दोस्तों, तो आइए इसे बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमें 232 की लाइन लेनी है। ये मैंने 232 की लाइन ले ली। अब दोस्तों, 232 के अगर हम हाफ करें तो 116 होता है, यानी कि हमें 11.6 पे सेंटर लाइन बनाना है। हमें 11.6 पे सेंटर लाइन बनाएंगे हम। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऊपर हमें आर्क लगानी है। 48 रेडियस हमें गिवन है, यहाँ पे आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कंपास को 4.8 खोल लेंगे। अब 4.8 खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर्क लगा देंगे। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में जो है यहाँ से लेके यहाँ की दूरी के बारे में हमें ये मेंशन नहीं है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 ऊपर जाएंगे, सेम इस साइड 2.5 ऊपर जाना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 6.8 इस साइड आएंगे, क्योंकि दोस्तों देखो, हमारे जो टोटल इसके जो बेस है वो है इसका 232, और इसकी जो रेडी पूरा जो ये सर्कल बनेगा, हमें रेडियस 48 है, तो इसका जो पूरा सर्कल बनेगा वो बनेगा 96 का। अगर हम इन 232 में से 96 माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 136। अब 136 को हम हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दो पोर्शन चाहिए, तो हम अगर इसको हम दो से डिवाइड करते तो ये आ गया हमारा 68। तो अब हम क्या करेंगे, 6.8 यहाँ से हमें क्या करना, 6.8 आएंगे इधर, और इस लाइन से हमें इसको ऐसे मिला देंगे। सेम हमें इस साइड भी ऐसे ही करना है। अब ये करने के बाद हम इसको इससे मिला देंगे, सेम ये थोड़ी आगे आएगी लाइन। दोस्तों, अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो दोस्तों एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि यार मैं अभी ड्राफ्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है हमारा पूरा हम ऐसे नीचे की ओर कर देंगे, हाफ़ में ही, फुल में नहीं करना दोस्तों, ये हाफ़ में ही करना है। अब इतना हमारा बन गया दोस्तों, इसकी जो रेडियस है वो है 48। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब पहले नीचे का बनाते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, 35 आना है, यहाँ 35 आके हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन बना देंगे। अब 1.2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और 1.2 इस साइड लगाएंगे, और ऐसे डॉटेड फॉर्म में लाइन लगा देंगे, सेम इस साइड। दोस्तों, सेम ऐसे ही इस साइड बनाना है। अब सेम आप बना लोगे दोस्तों, जैसे इस साइड बनाया हमने, सेम इस साइड ही बनाना है ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो बीच का सर्कल जो है, उसका जो पूरा डायमीटर वो 50 है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 प्रकार खोल लेंगे,
और यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे, सर्कल बना देंगे। अब ये होने के बाद क्या है, इसके ऊपर भी एक सर्कल है दोस्तों, उसमें हमें क्या है 64 है उसकी पूरी, जो अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो 64 है। तो हमें क्या करना है, अब 64 का आधा होता है 32, तो हम कंपास को 3.2 खोलेंगे और यहाँ पे भी एक सर्कल बना देंगे। अब ये बनाने के बाद हमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑयल के लिए हमें एक पिन बनाना है, ऑयल होल। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थ्री इस साइड और थ्री इस साइड, और इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों ऊपर से हम क्या करेंगे, तीन छोड़ देंगे ऊपर, तीन छोड़ के ऐसे लाइन लगा देंगे सेम इस साइड। ये दोस्तों हमारा क्या है, बुश बेयरिंग का हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया है दोस्तों। अगर इसके आप टॉप व्यू को बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें, मैं इसके टॉप व्यू को भी बना दूंगा दोस्तों। आप इस वीडियो के फीडबैक भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। हैव अ नाइस डे।